धर्म प्रेमी सज्जनों, नियमानुसार थोड़ी देर निवेदन प्रस्तुत है। अभी बहुत सुंदर विचार सुन रहे थे। एक ऐसे सुख, एक ऐसे आनंद जिसके लिए वैभव, पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान कुछ नहीं चाहिए, एक ऐसी शांति, एकदम वितराग की अवस्था। कोई आदमी के पास बहुत वैभव हो जाए, बहुत पद हो जाए, प्रतिष्ठा हो जाए, मान सम्मान हो जाए, पैसा हो जाए, बंगले हो जाए, और जब आदमी मरे तो बिलबिला करके मरे, शिकायत से भर करके मरे, ये मेरे, ये तेरे, ये सब, इतनी शिकायतों का बाउंडर इकट्ठा करके मरे तो सब कुछ बेकार चला जाता है, सब कुछ बेकार चला जाए। बहुत सारे वैभव इकट्ठा किए, पद पाए, सम्मान पाए, प्रतिष्ठा पाए, गाड़ी, बंगले, मकान, सब कुछ रहा, और शिकायत शिकायत कर कर के मर गए तो सब कुछ बेकार चला जाता है। लेकिन एक आदमी है जिसके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, जहाँ जाता है आदमी रोड पे सो लेता है और आनंद से जीता है। और जब वो आदमी मरता है तो कोई जानते भी नहीं है। आदमी रास्ते पर चल रहा है, कोई परिचय नहीं है, कोई संपर्क नहीं है, रात में सोता है, और जब सुबह उधर से एक आदमी निकलता है, खेत में काम करने वाले देखते हैं कि आदमी सोया है, चार घंटा बाद आकर के फिर से देखता है सोया है, तो हिलाते हैं, तो आदमी सोया ही है, उसको कोई नहीं जानते हैं। समझता हूँ बेहतर मरना वो मरना है। बहुत इकट्ठा करने के बाद यदि मन में कलबलाहट रह गई, मन में पीड़ा रह गई, तो बेहतर मरना वो है जिसके पास कुछ भी नहीं है, और आदमी सोया तो एकदम निश्चिंत होकर के मर गया, किसी के लिए मन में शिकायत नहीं है, वो बेहतर मरना यही है। इसीलिए सद्गुरु कबीर कहते हैं, लक्ष्य बिनु सुख, दरिद्र बिनु दुख, नींद बिना सुख सोवे, बिना नींद के ऐसे लोग ही सोते हैं, जहाँ जाते हैं रोड पे सो जाते हैं। ये परम तत्व, अत्यंतिक सुख, कैवल्य, मुक्ति, आत्मस्थिति, ऐसी लोगों की स्थिति होती है जिसके मन में कोई शिकायत नहीं है। सद्गुरु उसी बातों को लेकर के कहते हैं, पंक्ति के साखी के अंतिम में हैं, दादा भाई बाप के लेखों चरणन हुई हो बंदा, अब की पुरिया जो निर्वारे सोजन सदा आनंदा। उसी बात के लिए है, अब की पुरिया जो निर्वारे सोजन सदा आनंदा। सद्गुरु कहते हैं, सब लोगों से संबोधन करते हुए, समाज में संबोधन करते हुए, और वैभवशाली महान पुरुष, उनका बोलने का तरीका, अंदाज कुछ अलग ही है। उनका एक एक वाक्य आदमी के लिए अमृत है और आत्मस्थिति की बातें हैं। और सद्गुरु कबीर आध्यात्मिक उन्नति के लिए जोर डालते हैं। यहाँ पर सद्गुरु कबीर के पूरे बीजक में अंदर आत्मा की बात, सुख की, परम स्थिति की, आत्म की स्थिति की बातें ज़्यादा हैं, बाहरी वैभव की बातें नहीं करते हैं ज़्यादा। और इसीलिए सद्गुरु कहते हैं, विनम्र होकर के, इतने बड़े संत, इतने बड़े महान पुरुष होकर के हम लोगों के लिए एक सीख है, कितना विनम्रता से झुक करके कहते हैं। और जितने भी जो समाज के प्रवक्ता है, जो उपदेश देते हैं, घर के मुखिया है, जो वरिष्ठ हैं, ये सब के लिए है संकेत, जिसके इशारे पे दुनिया चलती है, वो सब के लिए सद्गुरु संकेत करते हैं। सद्गुरु का संकेत है सबके लिए, यानी इतना विनम्र होकर के, इतना साधारण सहज होकर के वो कहते हैं, दादा भाई बाप के लेखों, हे लोगों, मैं तुम्हें भाई बाप
भाई पिता पितामह कहने के लिए तैयार हूँ, समझता हूँ मैं पिता के समान, पितामह के समान, भाई के समान समझता हूँ। इतना विनम्र होकर के कहते हैं, और मैं तुम्हारे चरणों का सेवक बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त है। सद्गुरु कबीर वहाँ पर शर्त लगा देते हैं, वो कुछ मांगते नहीं हैं, कुछ डिमांड नहीं है। विश्व विजय नहीं चाहिए उनको, वो कहते हैं अपना उन्नति कर लो बस। वो क्या कहते हैं, अब की पुरिया जो निर्वारे सोजन सदानंद, एक शर्त रख दिए बस, मैं तुम्हें भाई कहूँगा, बाप कहूँगा, पितामह कहूँगा, और तुम्हारे चरणों का सेवक बन जाऊँगा, लेकिन एक शर्त है, तुम अपनी जो वासना है, पुरिया है, उसका निबेरा कर दो बस। और यदि तुम इस वासना का निबेरा कर लेते हो, परम तत्व को समझ जाते हो, अत्यंतिक सुख को समझ जाते हो, तो सदा सदा के लिए आनंद हो जाओगे, सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं। और पूरी दुनिया की घुड़दौड़ इसीलिए है, पूरी दुनिया के अंतिम स्थिति की बात सद्गुरु कबीर साहब इस साखी में कहते हैं। सद्गुरु कबीर साहब संकेत करते हैं और कहते हैं, और आम लोगों के लिए जो आगे समाज के मुखिया है, गार्जियन है, परिवार के, समाज के, उन लोगों के लिए कहते हैं कि तुम अपने परिवार को, समाज को अगर सही ढंग से चलाना चाहते हो तो कभी झुक जाओ, नीचे हो जाओ, कभी प्रेम से बोल लो, और एकदम साफ साफ झुकने के लिए तैयार हो जाते हैं। किसके लिए, खास आध्यात्मिक उन्नति के लिए। और हम वही चीज नहीं करते हैं। पुरिया वासना क्या है आखिर, किस चीज को वासना कहेंगे? देखे सुनने भोगने चाहने की जो भी इच्छा है, ये वासना है, ये सारी चीज वासना है। और जो भी दृष्टि में दिखाई दे, जो भी, वो सब माया है और एक दिन छूटना है। जो भी जो चीज दिखाई दे रही है, सब छूटने वाली चीज है। और परम तत्व की जो अभी श्री गणेश साहब कह रहे थे, वो दिखाई नहीं देता है। सुख का गुरुदेव जी ने कहा है, सुख का वर्णन किया नहीं जा सकता है, उसका भाष्य नहीं किया जा सकता है, बस उसको महसूस किया जा सकता है। अब सुख को कहेंगे कौन सा रंग में है, कितने किलोग्राम का है, कितने वाट का है, उसको तौला नहीं जा सकता है सुख को। और कोई आदमी सुख को खरीदना चाहे, सुख को खरीद नहीं सकते हैं। इसलिए सद्गुरु कबीर कहते हैं, या चाहे परम तत्व का हो, चाहे कैवल्य स्थिति का हो, चाहे शांति का हो, सुख का हो, आत्मानंद का हो, अत्यंतिक सुख का हो, कोई भी भाषा कह दो, उस चीज के लिए सबकी मन में एक लालसा है, उसका काम करें हम सब। वासना पुरिया, अब वासना का मतलब है हम कुछ भी करते हैं उसके प्रति हमारी प्रागढ़ता बढ़ जाती है, वही वासना बन जाती है, वही वासना बन जाती है। कुछ खाते हैं लेकिन पेट भर गया संतोष, नहीं खाते हैं चलेगा, लेकिन हमारी इच्छा बन गई और खा लूँ और खा लूँ, वही वासना बन जाती है। कोई आदमी जिस चीज़ के बिना नहीं रह सकता, वो चीज़ वासना बन जाती है। आप कहेंगे भोजन के बिना, तो शरीर चलाने के लिए भोजन चाहिए, इसको वासना नहीं कहा जाएगा। आदमी बिना ऑक्सीजन के नहीं रह सकता, तो क्या वासना थोड़ी होगी, वो स्वाभाविक क्रिया है, ये स्वाभाविक क्रिया है, ये बिना लिए नहीं चल सकता शरीर। लेकिन एक आदमी है जो गलत चीज़ों का सेवन करते हैं, गलत खाते पीते हैं, उसके बिना भी शरीर चल सकता है, तो उसको हम इच्छा रूपी घसीटते जाते हैं और इच्छा बनाते जाते हैं, वो वासना बन जाती है। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि वासनाओं की पुरिया का निवेरा कर दो। अब बहुत कठिन है, कहना बहुत सरल है, बहुत सरल, कहने में कितना देर लगेगा, दो एक मिनट भी नहीं लगता है कहने में, और इसको जीने में पूरा जीवन खत्म हो जाता है, लेकिन समझ में नहीं आती है बातें, बस बात सुनते हैं, एक कान से दूसरे कान से निकलते चली जाती है। जो हमारी लत होती है, जो आदतें होती है, बुरी आदतें, वो सुधरती नहीं है।
एक कुत्ता का अगर पूंछ टेढ़ा है तो टेढ़ा ही रहेगा, हाँ, लेकिन अगर किसी में हिम्मत हो, ताकत हो, हौसला हो, बुलंदी हो, तो आदमी बहुत कुछ कर सकता है। आदमी ही तो है जो पानी में डूबता है, हजारों किलोमीटर निकलता है, आकाश में उड़ता है, कई कई हजार किलोमीटर तय करता है। आदमी की बुलंदी तो है, साहस तो है, लेकिन जब अध्यात्म की बातें आती है तब सब किनारे कर देते हैं, ये हमसे नहीं होगा, भगवान की कृपा से होगा। सद्गुरु कहते हैं, अगर चाहते हो वासना का निवेरा करने के लिए तो तुम्हारे सामने मैं झुकने के लिए तैयार हूँ। इतने बड़े प्रवक्ता, इतने बड़े संत हो करके, और संतत्व की साधना यही है, यही संतत्व है। उंडर लग जाता है, और जब हम किसी की अच्छाई देखना शुरू करते हैं तो अच्छाई दिखती है। दृष्टि हमारी है, हम जिधर ले जाना चाहते हैं उधर हम अपने दृष्टि को ले जाते हैं। हम जब अच्छाई देखना चाहते हैं वही आदमी है उसमें अच्छाई देख लेते हैं, और जब बुराई देखना चाहते हैं तो बुराई देख लेते हैं। हाँ, हकीकत तो ये है कि हर व्यक्ति के अंदर अच्छा बुरा है, लेकिन समझदारी हमारी इसमें है कि हम व्यक्ति से अच्छा चीज लेते हैं कि बुरा चीज लेते हैं। अगर बुरा चीज लेते हैं तो वही हमारे अंदर इंक्लूड होता जाएगा, और वही इंक्लूड होगा फिर वही हमारे जीवन के साथ जीवन में आएगा। और सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, इसलिए जो रहे करवा सुने करे टोटी, और जो हम इकट्ठा करते चले जाएंगे जीवन में वही तो फिर निकलेगा बाहर। इसलिए हम अच्छाई देखें और प्रयास ये करें कि जीवन में किसी के लिए ज़्यादा शिकायत ना रहे। शिकायत बहुत खतरनाक स्थिति होती है। आदमी बूढ़े हो जाते हैं, 80 साल 90 साल तक के हो जाते हैं, शिकायत करते करते मरते हैं आदमी, और कहते हैं हम इंसान हैं, भक्त हैं, साधु हैं, हम अपने को अलंकारित करते हैं, हम संत हैं। क्या हमारी मन की स्थिति संतत्व की ओर चल रही है? कभी कभी विपरीत स्थिति में चली जाती है। बहुत कठिन परिश्रम के बाद आदमी अपने को सुलझा लेते हैं। मन की ग्रंथियों को ही सुलझा लेना ही वासनिक निबेरा है, और इतनी ग्रंथि है हमारे मन में, इतनी ग्रंथियां हैं, उसको सुलझाते सुलझाते जीवन बीत जाता है। मन की ग्रंथियों को हम नहीं सुलझा पाते हैं, जो सुलझा लेते हैं वही व्यक्ति महान हो जाते हैं। इसलिए हम सबको इस सबसे ऊपर उठ करके मन को देखना चाहिए, मन को शोधने का काम करना चाहिए। ये मन का खेल है सब कुछ। मन को जो हम चीज देते हैं, जो खुराक देते हैं, उसके हिसाब से हमारे शरीर में क्रियाकलाप होता है। और मन को कौन खुराक देता है? हम मन को चलाते हैं और मन हमको चलाता है। मन से हमारे शरीर में सब कुछ ऑपरेट होता है। मन से एक नस का कनेक्शन कट जाए, दब जाए, तो हमारा शरीर का जिस हिस्से का नस पॉइंट दब जाए, उस शरीर का मूवमेंट होना बंद हो जाता है। बहुत लोगों का होता है, किसी का एक्सीडेंट हो गया और कुछ हो गया तो कहते हैं उनका एक अंग काम नहीं कर रहा है, जबकि उसके एक अंग में ब्लड है, शरीर में सब कुछ है, नस तरोताजे हैं, लेकिन क्यों काम नहीं कर रहा है? क्योंकि मन से कनेक्शन उसका कट गया है, और मन से कनेक्शन कट जाने के बाद में वह काम नहीं करता है। इसलिए हम मन को सही सुलझाए, मन को सही सुलझा करके रखे, सही विचार दे, सही खुराक दे, तो मन सुलझा रहेगा तो हमारा जीवन सुलझा हुआ होगा।
हम जीवन को सुलझा ले, यही जीवन, यही हमारी साधना है। यदि हम ये काम नहीं कर पाए, सुलझा नहीं पाए जीवन को, तो फिर साधना करना बेकार चला जाएगा। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, दादा भाई बाप के लेखों चरण हुई हों बंदा, अब की पुरिया जो निर्वारे सोजन सदा आनंदा। सद्गुरु कबीर साहब सबको प्रेरित करते हुए कहते हैं और समाज को संकेत करते हुए कहते हैं, और मूल चीज ये है कि आध्यात्मिक विकास चाहते हैं समाज का, आध्यात्मिक विकास वो देखते हैं कि आदमी आध्यात्मिक विकास के बिना इतना दर-दर के ठोकरे खाता है, दर-दर के ठोकरे खाता है। बाहरी विकास के लिए पूरे दुनिया में होड़ लगी हुई है, लेकिन जो अध्यात्म विकास के लिए आदमी के पास ऐसा कोई समाधान नहीं है। अध्यात्म विकास के लिए इसलिए सद्गुरु कबीर साहब जोर देते हैं। सब मन में उनकी एक तमन्ना है, मन में एक सोच है, क्योंकि वो बाहरी दुख को देखे हैं, बाहरी दर्द को झेले हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि सबका मन सुलझा हुआ हो, सबका मन व्यवस्थित हो और अध्यात्म विकास करे। और साधक का यही मुख्य काम है। यदि आध्यात्म विकास, आध्यात्मिक विकास नहीं कर पाए और बाहरी विकास तक रुक गए, तो फिर कोई विकास नहीं हुआ। हम सब कुछ जाने और अपने आप को नहीं जाने तो सब बेकार चला जाएगा। इसलिए हम सब कुछ जाने, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है हम अपने को जाने। सबको सुलझाए, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हम अपने को सुलझाए और जीवन को सुलझाए। यही सद्गुरु कबीर का संकेत है। मैंने कुछ देर तक कहने का प्रयास किया, बस इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।